आपके लिए जो इंडिया के लिए जो प्यार मोहब्बत है उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए भाई, हम पाकिस्तान से हैं, नेबरिंग देश, ब्रदराना देश। बहुत अच्छा लगा आपसे। और ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम यहाँ पे नंबर 12 बस में बैठे हैं गोइंग टूवर्ड सुल्तान अहमद, और हमारे साथ अहमद जी बैठे हुए हैं। अहमद जी नमस्ते। हेलो, क्या हाल है? नमस्ते, क्या हाल है? ठीक ठाक भाई, सब एकदम ठीक ठाक। अहमद जी थोड़ा बताइए आपकी इस्तांबुल की विजिट के बारे में, आप कहाँ से हैं और आपके लिए जो इंडिया के लिए जो प्यार मोहब्बत है उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए भाई, हम पाकिस्तान से हैं, नेबरिंग देश, ब्रदराना देश। बहुत अच्छा लगा आपसे। और मैं अपनी फैमिली के साथ इस्तांबुल आया हूँ, तो मेरी एक बेटी पीछे रह गई थी, वो आ जाइए उनको लेने एयरपोर्ट में, तो भाई से मुलाकात हुई है, हम इकट्ठे जा रहे हैं। और उन्होंने हमको सबसे पहले बहुत हेल्प की, बहुत मदद की, और अभी पूरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई को जिधर जाना है, क्योंकि भाई ने वापस आना है, भाई ने न्यूयॉर्क ट्रेवल करना है। जी जी। और अभी भाई से यही बात हो रही थी कि जब भी हम वाघा जाते हैं, वाघा बॉर्डर में बड़ा दिल करता है कि साथ जाएं, विजिट करके आए, भाइयों के साथ मिले, दोस्ताना तल्लुक हो। और वैसे भी जिंदगी का फंडा ये नहीं है कि पड़ोसियों के साथ लड़ाई हो, पड़ोसियों के साथ लड़ के आप अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते। तो आइदर दोस्ताना तल्लुक रखो, अपने आप को ऊपर उठाओ, आवाम को ऊपर उठाओ। ये कौन सा फंडा है कि आप हर चीज़ लड़ाई में लगा दो? पॉलिटिक्स रहता छोड़ा, लेकिन पॉलिटिक्स इंग्लैंड भी करता है, फ्रांस भी करता है, जर्मनी भी करता है, लेकिन ट्रेड इकट्ठे करते हैं, टूरिज्म इकट्ठा करते हैं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करते हैं, उनके लिए पहला टारगेट टूरिज्म आगे रखें। और अभी भी हम इस्तांबुल जा रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड टूरिज्म के हवाले से। इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि इनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हालांकि इंटरनेशनल सिटी बन गया, अब इसको इनको इंग्लिश लैंग्वेज को लाजमी प्रमोट करना चाहिए कि लोगों के साथ, स्पेशली जो लोग अब बस में आप जा रहे हो, ड्राइवर को लाजमी इंग्लिश आनी चाहिए, या आप जो टिकट ले रहे हो वो भी इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये बंदों के लिए बड़ा मसला बनता है। तो भाई के साथ बड़ी अच्छी गपशप हो रही है, बड़ा अच्छा ट्रैवलिंग टाइम है। इंशाल्लाह भाई का चैनल करेंगे आप सब्सक्राइब भी, और दोस्तों को भी बताएंगे। और हम चाहते हैं कि आप डेफिनेटली एक बार इंडिया आपको विजिट करने का मौका मिले। थैंक यू। एंड आपकी जो दिल की तमन्ना है वो जरूर पूरी हो। थैंक यू ब्रदर। और थैंक यू फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन वंस अगेन। और यू आर वेलकम ब्रदर। आप और आपके डॉटर का तुर्की का स्टे एकदम अच्छा रहे। ये यहाँ से अभी अनातालिया जाएंगे, वहाँ से कैपेडोसिया, तो ब्यूटीफुल प्लेसेस इज द होल ऑफ द तुर्की। अगेन द प्रॉब्लम इज यू आर फेसिंग लैंग्वेज बैरियर आ जाता है ना, बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाई यार, Can't survive without English right now, आप दुनिया में चलने के लिए, आपके दुनिया में ट्रेवल करने के लिए इंटरनेशनल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज अब इंग्लिश ही है, ग्लोबल लैंग्वेज। तो आपको थोड़ा बहुत, और स्पेशली टूरिज्म के हवाले से, ये मुल्क चली टूरिज्म के सर पे, मुझे भी बहुत दिक्कत हुई, स्पेशली इवन फ्रॉम द एयरपोर्ट से लेके बाहर आने तक कि ये कहाँ से मैं बाहर आ रहा हूँ, कैसे मैं सब मैनेज करूँ, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। कुछ लोगों जो इस्तांबुल में जो हेल्प कर रहे थे रिप्रेजेंटेटिव, वो फिर गूगल ट्रांसलेट करके समझ रहे थे कि हम क्या उनको बोलना चाह रहे हैं। सो दे वांटेड टू हेल्प, बट ऑफ कोर्स उनका भी कोई कसूर नहीं है। बट ओवरऑल आई मीन इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, जैसे अहमद जी ने बताया कि इस्तांबुल इज सेट टू बी द ग्लोबल टूरिस्ट प्लेस, वन ऑफ द फाइनेस्ट, एंड हियर यू कैन गेट the combination of two different cultures, one is Asia and the other is Europe, bilkul no doubt. So dono culture ka experience aap milega, food amazing and people kafi friendly hai, matlab unko samajh mein nahi aayega language, but at least they'll try to help you. So and again turkish lira jo denomination value hai wo bhi kafi reasonable hai, matlab zyada mehanga nahi hai, dollar ke wale se to bahut behtar hai, dollar ke wale se bahut behtar hai, euro tino currency ke wale se badi achhi रिटर्न मिलता है, तो बंदे उनको फील नहीं होता, उनको फील नहीं होता है, अपना देश से जो है ना उसको फील होता उसको है, उसको फील होगा, दैट्स क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की करेंसी है, वो उस लेवल की, तो उसमें ये कितना करेंसी में है, पाकिस्तानी करेंसी का, पाकिस्तानी करेंसी का तकरीबन 11 रुपए का एक लीरा मिल रहा है, तो इंडिया का मतलब 3 या 3.5 है, बराबर दैट्स अफोर्डेबल। बट ज़्यादा करके यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि जितने भी लोग हैं वे जस्ट से लाइक यूएसडी और यूरो, दे प्रेफर, बिकॉज़ दे प्रेफर दैट, दे विल मेक मोर मनी, दे विल मेक मोर मनी। फॉर एग्जांपल वो डॉलर का रेट अगर 12.28 है तो आपको 26 या 25 के हिसाब से देंगे, देंगे करेक्ट, तो 3-4 लीरा वो निकाल लेते हैं, वो टूरिज्म किसी जगह पे भी होगा तो लोगों की कोशिश होती है टू मेक मनी, दैट द मेन पॉइंट, अंडरस्टैंडेबल, बट स्टिल बेटर एज कंपेयर टू ईस्टर्न, को जो वो तो बहुत महंगे पड़ जाते हैं।
escalator to level minus 2, you will come out of this area. Here you will see the hotel transfer shuttle area. These are all for the hotel transfers. Welcome to Istanbul, and you will see the signboard over here, public transportation, as you can see on the back. So we are gonna take the public transportation bus or the public transportation shuttle to the city center.